अंदर आप लोगों को नजर आ गए। अच्छा और भी हैं, वो नीचे करके हैं अभी ये देखें। ये अपने बच्चों को जो है प्रोटेक्ट कर रही है। तो यार माशाल्लाह ये आप लोग देखें बच्चू, छोटा सा तोतू, ये एक ही निकला है और इसके घर की यार सफाई करनी है। ये है ठीक बिल्कुल, कहाँ गया है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, और वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो है आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक कर देना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है दोस्तों के साथ। तो यार बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे माज भी आपने जो है टाइटन के बच्चे नहीं दिखाए, तो मैंने सोचा यार आज चलता हूँ, अच्छे खासे जो हैं वो बड़े हो गए होंगे तो आप लोगों को चल के जो है अगवान कूची दिखाता हूँ। सेल्फी स्टिक जो है यार मैंने उठा ली है, और अभी आपको ये देखें, ये इसका घर बना हुआ है ठीक है, और देखना आप लोग इसने यार कितना डीप अपना घर लेके गई है ये फीमेल। ये चलो भाई, ये देखें अंदर आप लोगों को नजर आ गए। अच्छा और भी हैं, वो नीचे करके हैं अभी यार, इनको जरा बाहर भी निकालते हैं और देखते हैं। इतनी देर में एक और कुत्ता आ गया, ये देखें। ये अपने बच्चों को जो है प्रोटेक्ट कर रही है। इस साइड पे भी आया हुआ है, देखा है आप लोगों ने प्रोटेक्ट कैसे कर रही है अपने बच्चे। यार मुझे लग रहा है आधे बच्चे जो है ना मुझे नजर नहीं आ रहे, या तो कोई उठा गया है। दोबारा देखते हैं एक बार, ये ना मुझे जूम इसका ये लॉक करना पड़ेगा, मुझे फोकस नहीं कर रहा सही। अब फोकस कर रहे तो लाइट बंद हो गई है। यार अभी मैंने दोबारा आके ना अच्छी तरह मैंने कैमरा अंदर करके लाइट के साथ मैंने सर्च की है, और मुझे जो है अंदर सिर्फ और सिर्फ यार चार बच्चे नज़र आए हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि बाकी जो बच्चे हैं या तो वो कोई ले गया है, और अगर ले के नहीं गया तो मेरे ख्याल से वो जो बच्चे हैं यहाँ पे अंदर कहीं होंगे। बाहर का यार ये नुकसान है। अब ये इधर देखें आप लोग, सारा का सारा जंगल है इस साइड पे, और इसमें ढूंढना जो है वो नामुमकिन है। ये तो फाख्ता मेरे वाला नहीं यार। अभी सीधा अंदर चल रहा हूँ, बाकी परिंदों का टाइम है, उनको चल के दाना पानी करते हैं, और इनकी जो है मैं आपको अपडेट देख के इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं जो कैमरा पकड़े और मैं अंदर से सारे बच्चे बाहर निकालूं। तो यार फाइनली घर आ चुका हूं अभी, और सब परिंदों को जो है यार दाना पानी वगैरह करते हैं। ये देखें आप लोग, असील एक ये फिर रहे, मुर्गी फिर रही है, ये फिर रही है, और शाम को जो है यार आज कोरमा भी बनाना है, उसकी जो है मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल दूँगा। और बाकी यार ये जो सीज़न है ये ब्रीडिंग का सीज़न है, तो हर परिंदा जो है, हर जो जानवर है वो इस जो अगला मंथ आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वगैरह यार निकलने का चांस होता है, सही रह जाते हैं, गर्मी नहीं होती, सर्दी ज़्यादा नहीं होती। और ये आप लोग देखें जो चिकू घूम रहा है छोटा, ये देखें। तो यार इनका जो है मैंने सारा का सारा दाना पानी मैंने चेंज कर दिया है। तितरी भी हमारी आ गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और कबूतर जो हैं अपने अपना घर बना रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं, है ना, ताकि वो अंडे वगैरह देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फ्राइडे को हम जाएंगे, मज़ीद नए परिंदे जो हैं यार और लेके आएंगे। और अब हमने हमारा जो मेरा फोकस है वो चकोरों पे है, मंग लेके आएंगे, और मंग हो गए, चकोर हो गए, उसके बाद तितरियाँ जिनको गिनी फाउल्स कहते हैं वो भी लेके आएंगे हम लोग। और सारी की सारी जो सील मुर्गियाँ हैं, पाँचों कुड़के हैं, उनको जो है हमने रेडी करना है ताकि वो अंडे वगैरह दें। मुर्गा एक दौर बड़ा लेके आएंगे,
ताकि हर मुर्गे के साथ हमारे दो दो मुर्गियाँ होंगी। तो इस तरह जो है ये हमारा सिस्टम बिल्कुल बेहतरीन होकर चलेगा। तो यार माशाल्लाह ये आप लोग देखें बच्चू, छोटा सा तोतू, ये एक ही निकला है और इसके घर की यार सफाई करनी है। ये है ठीक बिल्कुल, कहाँ गया है? हाँ ठीक है ना। और यार इस वाली में जो है अंडे दिए हुए थे, कितने अंडे हैं चेक करते हैं। दो तो नज़र आ रहे हैं मुझे अंडे, और अभी हो सकता है यार ये दो दिन से दो अंडे हैं और अंडा शायद वाली बात है ये दे देगी। इसके अलावा मुझे लगता है इन्होंने भी यार ब्रीडिंग, ये आप लोग मेरे से शर्त लगा लो, चलो अभी तो अंडे नहीं है, मैं दावा नहीं कर रहा अंडों का, लेकिन आपको 15 दिन के बाद मैं पूछूंगा। और सेम केस यार इनके साथ है, इनको मैंने अंदर जो है बंद कर दिया है ताकि ये भी अपने वहाँ पे अंदर अंडे देंगे। बाकी सारी फौज ऊपर बैठी हुई है तोतों की। चलो वे चलो यहाँ से हटो हटो निकलो। ये देखें तो यार ये तो सारा काम माशाल्लाह से यार ज़बरदस्त हो रहा है, और बस थोड़ा सा हमने इस पर तवज्जो देनी है। तोते यार ऑस्ट्रेलियन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कितने जोड़े लेके आऊँ, 5 लेके आऊँ, 7 लेके आऊँ या 10 लेके आऊँ, और इंशाल्लाह आपका भाई लेके आएगा। और हाँ यार काफ़ी सारे लोग जो हैं, बल्कि 2-3 सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे से, वो पूछ रहे थे माज भी आपके जो हैं ग्रीन वाले पैरेट्स कहाँ गए हैं। तो यार फ़िलहाल इनको जो है मैंने अभी अंदर शिफ्ट किया है, क्योंकि अभी इनका ब्रीडिंग का तो कोई सीज़न नहीं है और अभी ये थोड़े से छोटे हैं। तो यार ये ना अपने छोटे घर में ही लकड़ी के अंदर बैठे रहते थे, बाहर ही नहीं निकलते थे। तो मुझे ऐसा लगा एक दिन यार, मैंने कहा मर ना गए हैं अंदर, फिर मैंने इनका लकड़ी का वो डब्बा उतार के इनको जो है मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया, ताकि यहाँ पे बंदे वगैरह गुजरते हैं जैसे, तो ये लोग आदी हो जाएंगे बंदों से। अभी देखें ना आप लोग ये देखें कैसे डर रहे हैं। तो इनको आदी करना बहुत ज़रूरी है, और इनका पिंजरा आप लोगों ने ख़ास ख्याल करना है मज़बूत हो, वरना ये एक दफ़ा जो है, ये वाला पिंजरा तो नहीं जो मेरा पिछला केज था उसको ये काट के जो है जनाब ये बाहर निकला हुआ था, शुक्र है बड़े केज के अंदर घूम रहा था। अगर बड़ा केज ना होता तो ये लोग निकल जाते। और इसी के साथ ही मैंने कहा यार आप लोगों को तीतर भी दिखा दूँ और तितरी भी दिखा दूँ। अभी इन दोनों को जो है यार इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं रख सकते, वरना जो मेल है ये इसकी ऐसी धुलाई करेगा ना मैं आपको बता नहीं सकता। लिहाजा इनको अभी ऐसे ही हमने साथ साथ रखना है, ताकि ये ज़रा एक दूसरे के आदी हो जाएंगे, और जैसे ही फिर ब्रीडिंग सीज़न आएगा इनको मैं वो जो सामने हमारा बड़ा वाला केज है इसके अंदर छोटा सा हमें खाना बना के इनको यहीं पर यार हम शिफ्ट कर देंगे। तो अभी मैं इनका दाना पानी करूंगा, आप लोगों को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए यार मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, स्टार्ट में मैंने बताया है। इंशाल्लाह मिलूंगा मैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।